मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के मुसलमानों की क्या हैसियत है, तो मैं आपको एक बहुत खूबसूरत वाक्या सुनाना चाहता हूँ। अलामा इहसान अली ज़ही रहमतुल्लाह फरमाने लगे कि एक बार मैं हरम में था और हरम में एक फलस्तीनी हाथ उठा के दुआ कर रहा था कि अल्लाह सुभानहु व तआला पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, और रो रो के गिड़गिड़ा के दुआएं कर रहा था। तो मैंने कहा कि तेरा तो अपना मुल्क हालत जंग में और तू पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए दुआ कर रहा है, अपने मुल्क के लिए दुआ कर। तो फरमाने लगे कि मैंने जब उसका जवाब सुना तो मैं दंग रह गया। और वो जवाब यह था कि उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमान सलामत रहे तो एक दिन अल्लाह की तौफीक से ये फलस्तीन को आजाद करवा के छोड़ा। ये है हैसियत, वो जानते हैं। माओ ने अपने बच्चों को लोरियों में ये बताया है कि पाकिस्तान के मुसलमान की हैसियत क्या, पाकिस्तान कैसा मुल्क है, पाकिस्तान कितना गयूर, ये उन्होंने अपने बच्चों को लोरियों में बताया। यही वजह है कि वो जो रात को सोते हैं ना तो सुबह उठ के पूछते हैं कि अम्मा पाकिस्तान से काफिले चले कि नहीं चले। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह सुभानहु व तआला उन फलस्तीनियों की जो दुआएं हैं, जो हमारे साथ जो तवक्कोआत हैं, अल्लाह सुभानहु व तआला उनको बैने ही पूरी फरमा दे जैसे कि वो हमारे बारे में गुमान फरमा।